ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। फ्राई है ना? अच्छा चल तू, एक मैं आ रहा हूँ संभाल कर, एक पैक करके रख, मैं आ रहा हूँ। सही है। हाँ भाई लाला कैसे हो? अरे लाला कैसे दिए ये? ऐसे दिए। मैं पूछ रहा हूँ क्या किलो दिए टमाटर? 150 रुपए। अब एक काम करो, 2 किलो ये तोल दो और प्याज तोल दो। ये क्या किलो है? ये 80 रुपए किलो। अच्छा ये तोल दो, आलू तोल दो, वो सामने 2-4 सब्जियां वो वाली क्या है वो? हाँ सारी वो चीज ये लो। अच्छा। मैं जरा उधर से सामान लेके आ रहा हूँ, ठीक है? चलो ओके, तैयार रखना मैं आ रहा हूँ। पंखा ले लो बेटा। बाबा कौन हो तुम? बेटा ये पंखा खरीद ले। इन पंखों का मैंने क्या करना है बाबा जी, मेरे घर में UPS है, सोलर है, जनरेटर है, सब कुछ है। बेटा होली से कहीं के मुलाजिम लगते हो? अरे भाई मैं लगता हूँ तो तुम्हें इससे क्या है भाई? और ये मैं पंखों का क्या, मैं भुट्टा बुनूंगा क्या? ले ले बेटा, बाबा की मदद हो जाएगी। अच्छा ये, अच्छा ये बताओ कितने का है? सिर्फ 10 रुपए का बेटा। 10 रुपए का? आजकल फकीर 10 रुपए नहीं ले रहे, आप पंखा बेच रहे पूरा। ले ले बेटा, बाबा दुआ देगा तू। अच्छा चलो फिर दे दो। वैसे मैं ना टिक्के बनाऊंगा ना तो उसमें काम आएगा चलने के, ये लो 10 रुपया। कहाँ गए बाबा? बाबा 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 था कि जिन था क्या था? हाँ साहब सब्जी तुल गई है? हाँ तुल गई। चलो मैं ले आता हूँ, दे दो मुझे जल्दी से। अरे बाबा समझ नहीं आती है कहाँ चला जाता है बाबा। एक काम बोलो बाबा, इतना टाइम लगाता है कि बस बाबा समझ नहीं आ रहा कहाँ से रख लिया। बच्चों में क्या पेट खराब है क्या? क्यों बाबा तुम्हें क्यों लगा ऐसा? शक्ल देख के लग रहा था मुझे। बाबा बकवास बंद करो। क्यों अब आप स्टार्ट करेंगे क्या? बाबा तुम्हारी इतनी हिम्मत। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बता काम क्या है? अरे बाबा तुम्हें कोई काम बोलो, तुम वक्त पे करते हो, इतना टाइम लगाते हो। क्यों देर हो गई क्या? हाँ बाबा देर, बहुत देर हो गई बाबा, बहुत देर। मैंने तुमसे अपने मोबाइल का चार्जर मंगवाया था, वो लाए हो? बच्चू भाई वो तो मैं भूल गया बाबा, भूल गया। ये कोई तरीका है बाबा? सीमा ने तुम्हें बहुत असर चढ़ा रखा है बाबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बाबा, तुम्हारी तनख्वाह काटूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बाबा, सजा भी मिलेगी तुम्हें और तनख्वाह भी कटेगी बाबा, तुम्हारी बात करता है मेरे साथ। बच्चू भाई मुझे लगता है गुस्से में आप गर्म हो गए, एक मिनट मैं जरा आपको हवा दे दूं ताकि आप फ्रेश हो जाएं। बाबा जाने कोई बात नहीं, तुम सामान नहीं लाए तो कोई मसला नहीं है बाबा, मैं लेकर आऊंगा अगली बार से, मुझे बताना सामान ना मिले तो, ये खाद में कैसे दिन काम आएगा बाबा जानी, है ना बाबा? बच्चे भाई अब आप इस तरह करेंगे हैं, इस तरह मुझे कोस रहे हैं आप, बुरा भला कह रहे हैं तंज कर करके, समझ गया मैं गुस्से में अब आप। जानी पत्नी किधर मर गया, भूख में मेरी हालत ही बुरी हो गई, बल्ला उठा भी नहीं जा रहा है। जाने चला गया है। जी 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 जरीना बुलाया मुझे। जानी कहाँ जा रहे हो और अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया तुमने? सामान लेने ना जाऊँ क्या है? अभी सुबह का नाश्ता नीचे उतरा नहीं और दोपहर के खाने की लग गई। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, देख नहीं रहे हो भूख से मेरा बीपी लो गया, बिना खाए कुछ खा ही नहीं जा रहा। अरे मैडम बस बीच में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये तुमने रोज का धंधा लगा के रखा हुआ है। अरे खाना छोड़े, ये हवा खाए, हवा खाए, ये ले। अरे वाह जानी, अब तुम हवा क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं मैं खुद ही नाश्ता बना लेती हूँ, अपना भी नाश्ता बना छोड़ू तुम्हारा भी। जी हाँ ऐसा करती कि मैं तुम्हारे लिए दूध पत्ती चाय भी बना के लाती हूँ, उसमें बहुत सारी मलाई डालती हूँ। अब तुम बैठो मैं नाश्ता बना के लाती हूँ, रुको। फौरन से आती हूँ, फौरन से गई। जानी ऐसा वैसे हो नहीं सकता जो तू सोच रहा है, और अगर हो गया मैं काम करता हूं बाहर जाके किसी पे ट्राई करता हूं। बच्चू भाई आपके हाथ में सामान? अरे बाबा ये सामान मेरे हाथ में कैसे आया? मुझे लग रहा है
आपको अपनी जगह का एहसास हो रहा है घर में, चलो अच्छी बात है। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। समझ गया। क्या बाबा? ये अरे जानी बाबा, आप किधर जा रहे हैं बाबा? मैं हूँ ना बाबा आपका खादिम, जो काम है सही मुझे बोले बाबा, मैं लेकर आता हूँ, बताओ बाबा बताओ। अच्छा एक काम करो, जब तक मैं कहूँ ना ना, यहाँ से आपने हिलना नहीं है। ठीक है बाबा। शाबाश, हाथ बांध के खड़े हो। शाबाश। ए जानी भाई, मेरे 500 रुपए तो दे दो, रोज अम्मा से गालियां पड़ रही हैं। 500 और गालियां भी पड़ रही है? एक मिनट, मेरे ख्याल से 500 रुपए देने होंगे। अरे जानी भाई, ये पूरा वॉलेट आप ले लो, और कहो तो अम्मा से और पैसे लेके आता हूँ। ठीक है, आप कहीं जाइएगा मत। एक काम करना, अम्मी को कहना वो जो बड़े वाले लाल वाले नोट होते ना, बड़े हजार के वो वाले दे। मैं अभी लेके आता हूँ, कहीं मत जाइएगा। चल ठीक है, चल शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। या अल्लाह, तूने तो मेरे नसीब खोल दिया। अल्लाह, चल बेटा किसी और शिकार को ढूंढते। ये बच्चों जानी नजर नहीं आ रहे। क्या जानी और बच्चू भी इसमें? लो बोला, मैंने तो इसमें देखा ही नहीं, लगता है शायद इन लोगों ने गेटअप किया होगा। अरे मैं ड्रामे की बात नहीं कर रही, मतलब वो घर पे नजर नहीं आए सुबह से। तुम्हें बता कर गए कहाँ गए? लो बोला, इससे पहले कभी गए तो बता के गए क्या? हाँ ये भी बात सही कह रही हो। आपको भला कोई काम था? हाँ मैंने जानी से कुछ सामान मंगवाया था, और बच्चों के साथ मुझे बाजार जाना था। चलो मैं जरा भाई जाके देखती हूँ कहाँ है। एक तो इस भाजाई मेरे के भी काम खत्म नहीं होते, जानी बेचारा कमजोर हो गया इसके काम कर करके, ढूंढो नहीं पाए। अरे बच्चू, आपको किसने क्लास से बाहर निकाला है? अरे बाबा, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ सीमा, मुझे भी नहीं पता। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यहाँ हाथ बांध के दरबान की तरह क्यों खड़े हैं? अरे बाबा, ये तो नहीं पता सीमा, मुझे लगता है मैं नींद में चलने लगा हूँ। तुम्हें कमरे से तो आप जाने जाने कहते हुए बाहर आए थे, ये बाहर आते थे सो कब गए? हाँ बाबा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि आप अभी भी सो ही रहे हैं। अच्छा बाबा, ये तो बताओ कि मैं अंदर जाऊं या बाहर? अंदर चले, मुझे तो लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ बाबा, लग तो मुझे भी यही रहा। चलो आ जाए, अंदर आ जाए। ये बच्चों को बताने क्या हो गया? मैडम एक बात बताएं, आप मेरा पूछ रही थी। हाँ जानी, तुम कहाँ गुम हो गए थे? मैं चमन्नी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। तुम बताए बगैर कहाँ चले गए थे? मैं जरा काम से गया था। जानी तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही काम होने लगे, और ये अपनी नानी के जमाने का पंखा हाथ में ले क्या कर रहे हो? दिखाना था ना आपको। इसमें ऐसा क्या है दिखाने वाला जानी? है ना, ये देखिए। आप कुछ पूछ रही थी? हाँ जानी, वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हें घर में कोई मसला कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ है ना, 5,000 रुपए की कमी है बस। अरे ये कौन सी कोई बड़ी बात है, ये लो और हुक्म करो। अरे नहीं नहीं, हुक्म की क्या जरूरत है, यही बहुत है, जो चाहिए होगी तो और मांग लूंगा मैं आपसे। अरे मांग लूंगा क्यों, ये लो तुम ये एटीएम कार्ड रखो, जब दिल करे निकाल। नहीं नहीं नहीं, कार्ड तो मेरे पास भी है, 5,000 बहुत है, चाहिए होगी तो और ले लूंगा मैं। ठीक है ले लेना। क्या हो बाबा, जानी आया था क्या? सीमा? अरे बाबा सीमा। अरे बाबा क्या हो गया है? अब कुछ नहीं। अच्छा एक काम करो, वो 5,000 रुपए दो बाबा, वो गाड़ी में ना उसका ऑयल चेंज कराना है। इसे कहाँ चले गए? बाबा क्या मतलब है कहाँ गए, कल रात में 10,000 रुपए दिए थे बाबा, कहाँ है? हाँ 5,000 तो सुबह पानी वाला लेके चला गया था, लेकिन बाकी 5,000 कहाँ गए, मिल नहीं रहे। नहीं मिल रहे बच्चू। अरे बाबा 5,000 रुपए है बाबा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। जरीना, क्या तुमने इतनी खूबसूरत लड़कियां कभी नहीं देखी? खूबसूरत?
आप? अरे पापा मैं रोज देखती हूँ ना आईने में, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा खूबसूरत कोई लगते ही नहीं। अच्छा क्या कॉन्फिडेंस है, जबी तुम इतना घूर घूर के देख रही हो हमें। तो हमें घूर घूर के क्या देख रही हो? मेरे ख्याल से ये देखना चाह रही है कि शहर की लड़कियां कैसे मेकअप करती हैं। हाँ पापा मैं यही देख रही थी कि मैं ऐसा मेकअप तो बिल्कुल भी ना करूं। पापा औरत को औरत लगना चाहिए, चुड़ैल नहीं। वैसे ना मैं तुम लोगों को किसी और वजह से देख रही थी। अच्छा वो क्या? मैं तुम दोनों पे नजर रखे हुए हूँ, कहीं तुम दोनों चोरी ना कर लो। What? हम तुम्हें चोर नजर आ रहे हैं? हाँ तो तुम मेरी भाजाई की दोस्त हो तो जाहिर से पता चोरी तो तुम कर सकती हो ना। लगता है कि ज़रीना तुम लोगों को बहुत अच्छी कंपनी दे रही है। कंपनी नहीं भाजाई, मैंने इनको पूरी फैक्ट्री दे दी है, वो भी मशीनों के साथ। अरे खुद ही कर लेंगी कि क्या करना और क्या नहीं। ठीक है मैं जूस पी लूं। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है ये, छोड़ो इसे। तुम दोनों बताओ कैसी हो? छोड़ो जैसी। लगता है मैं यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाती हूँ तुम। क्या मतलब, क्या हुआ तुम दोनों को, क्या कहा ज़रीना ने? अरे क्या पता नहीं क्या कह दिया मेरी दोस्तों को इसने अब। अरे बाबा मैंने सुना है कि मोहल्ले में कोई नए पड़ोसी आए हैं। हाँ लेकिन अभी तक वो किसी से मिले नहीं है। क्यों ना चल के हम लोग उससे मिले। हाँ बाबा आइडिया बहुत अच्छा है, काम करो जाओ जल्दी से मिलकर आओ, वापसी में आकर मुझे बताना कि कैसा रहा बाबा। ठीक है क्या हुआ बाबा? अरे बाबा तुम कौन है? मैं आपके मोहल्ले में नया आया हूँ। अरे बाबा आप हमारे पड़ोसी हो नए तो इसका मतलब है कहीं भी हम बैठे होंगे वहाँ के खड़े हो जाओगे क्या? भाई यूँ तो कहने को पूरा जाम आ रहा है। ठीक है फिर अमेरिका के व्हाइट हाउस में घुसकर दिखाओ। ओ भाई मेरा नाम शब्बन है, तमीज से, अबे तबे नहीं, समझ गए ना? अच्छा शब्बन भाई एक बात तो बताए, आप अकेले क्यों आए, फैमिली को नहीं लेके आए? खबरदार हम पर्दे वाले लोग हैं, तमीज से। हाँ अरे वाह बाबा वाह, अच्छा हुआ बाबा पर्दे वाले मिल गए। आओ बाबा आओ अंदर चले बाबा अंदर आ जाओ। अरे भाई कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बाबा वो मेरे कमरे के पर्दे कुछ खराब है, वो दिखाने बाबा आपको। अरे भाई मेरा क्या ताल्लुक उनसे? अरे बाबा आप ही ने तो कहा कि आप पर्दे वाले हैं बाबा, तो जानने वाले मिल गए ना बाबा, तो काम भी अच्छा होगा और डिस्काउंट भी मिलेगा। अरे भाई आप लोग मेरी बात नहीं समझे। समझ गए समझ गए, अब समझ गए। ये मुझे कुछ समझदार लग रहा है। समझ गए आप पर्दे वाले हैं इसलिए कोई डिस्काउंट नहीं देते, उसके लिए मालिक से बात करनी पड़ेगी। अरे भैया कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मैं इस मोहल्ले में दाखिल हुआ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। शबन भाई किसी दिन फैमिली को लेके आए ना यार। अबे भाई ये कौन है फैमिली मैन, इसको फैमिली के अलावा कुछ नजर नहीं आता यार, छोड़ो दफा करो। अरे बाबा ये कहीं वो कान के पर्दे वाले तो नहीं है? ये लीजिए जनाब, किसी को और कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ बाबा थोड़ा सुकून चाहिए जो तुम्हारे होते हुए बहुत मुश्किल है। वादा साईं वाह क्या बात कही है। जानी ये तुम हर वक्त हाथ में पंखा लेके क्यों घूमते रहते हो? असल में गर्मी इतनी है तो मैंने हवा झलने के लिए रखा हुआ है, ये देखें। पहले खुद तो हवा कर लो अपने आप को, उसके बाद हमको करना। अरे बाबा जानी साईं आप खड़े क्यों हो बाबा, बैठो ना बाबा गाना गाओ ना, आ जाओ बाबा बैठो। उठे खिदमत करे थोड़ी सी मेरी। बाबा बैठो बैठो। आपकी प्लेट प्लेट। लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा। टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये? जानी बड़े अफसोस की बात है, पंखा होते हुए भी तू खुद खाने बना रहा है, क्या करूं मैं क्या? अरे बाबा जानी, अरे काश मैं कुछ और मांग लेता। अरे बाबा तुम क्या मांग रहे थे? मेरे ख्याल से आप खाना बनाने आए ना। अरे जानी साईं आप किचन में क्या कर रहे हैं बाबा, आप जाएं बाबा, खाना आपका भाई आपका खादिम बनाएगा ना। एक काम करें फिर आए इधर आए, तशरीफ लाएं। आ बाबा मुझे आ रही है बड़ी जोर की नींद। जानी तुमने खाना बनाया? ये तो बच्चू भाई से पूछो। आधा बनाएंगे आधा, आज खाना क्यों बनाएंगे भला? ये तो बच्चू भाई से पूछो, खाना वो आज खुद बना रहे। अरे जानी साईं आप जाओ बाबा, वो क्या कहते हैं स्वीट ड्रीम बाबा, जाओ बाबा जाओ। स्वीट ड्रीम स्वीट ड्रीम, अच्छा भैया जाओ बाबा जाओ। अदा अदा क्या हो गया? बाबा मैं
बाबा ये किचन में कैसे आया मैं? हाँ बाबा मैं देख रही हूँ कि आजकल इस घर में हर कोई काम कर रहा है, लेकिन ये जानी हड आराम आराम कर रहा है। हाँ बाबा बात तो तूने पते की है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो पता लगाने के हो क्या रहे। जाओ बाबा जाओ पता लगाओ, जाओ बाबा जाओ। देखती हूँ जानी का बच्चा कर क्या रहा है। मैं क्यों खाना बना लूं बाबा, जानी बनाएगा खाना। आ रहा हूँ यार, कौन दरवाजा तोड़ रहा है? मेरे भाई के 500 रुपए। मैं भाई आराम से दम तो लेने दे, आराम से। अरे जानी भाई मेरे भाई के 500 रुपए वापस करो, मम्मी ने उसको बहुत मारा है। अरे जानी भाई मैं अपना वॉलेट भी पता नहीं कहाँ छोड़ आया, अब तो खुदा का वास्ता है मेरे पैसे दे दो। हाँ पैसे तो अंदर रखे हुए, मैं ले आता हूँ। वाकई? तुम लोग यहीं खड़े हो, मैं अभी अंदर से लेके आता हूँ। भाई लोग अभी 500 रुपए देते डरी है ना? अबे इधर तो नहीं मारा, अम्मा ने वैसे ही मारा है। अरे बला दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अरे बाबा आप कौन हो? आप यहाँ क्यों खड़े हुए? बाबा अगर रिश्ते की बात करने के लिए आए तो आप अंदर चले ना, आइए आइए। अरे कैसा रिश्ता आंटी, मैं तो जानी भाई से अपने पैसे लेने आया हूँ। आंटी होगी तेरी माँ कारा मुदेशी दी? हाँ हाँ आंटी जमीला का ही बेटा हूँ, वो आपकी दोस्त है ना जो गली के कोने पे रहती है। चाहे चाहे ज्यादा मेरे साथ फ्री होने की जरूरत नहीं है। देखो तो सलाम सलामी दोस्तों के बच्चे भी भला इतने बड़े हो गए, देखो तो सही। अच्छा तुम लोग भला यहाँ खड़े क्यों हो? मैं जाने तो पूछ के आती हूँ अभी, रुको सफर करो। हाँ हाँ खड़े हैं, इधर ही खड़े। आंटी बोलते ना। हाँ जानी भाई पैसे, जो पैसे लाए थे वो दे दो। अम्मा से और पैसे लेके आते हैं। शाबाश मेरा बेटा शाबाश, जल्दी जाओ और जल्दी आना, ठीक है जाओ। चल छोटे भाई। जानी क्या जबरदस्त पंखा मिल गया, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। अच्छा तो ये बात है, इस पंखे की वजह से तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे जानी के बच्चे, अभी तो देख मैं तेरे साथ करती क्या उकार हूँ। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा आखिर ये मामला क्या है? खाना खा के भी भूख लगती है, कभी घर से बाहर खड़ा होता हूँ, कभी किचन में खाना बना रहा हूँ, कभी कपड़े धो रहा हूँ, आखिर ये चल क्या रहा है? वो क्या रहा है मेरे साथ बाबा? अदा अदा अच्छा हुआ आप मेरे को अकेले मिल गए। क्यों बाबा कत्ल करना है क्या? कत्ल तो आप करोगे मेरी बात सुन के। अरे बाबा क्या बात कर रही है, कत्ल नहीं करूंगा बाबा, जानी को क्या जवाब दूंगा मैं? अरे बला पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ दी बोल बोल। इधर आओ काम लेकर आओ। बाबा ये मामला है बाबा, ठीक है बाबा मैं अभी सीमा को बता कर आया। अरे रुको तो सही बला मेरी बात सुनो। ये भाजाई को ना जानी के खिलाफ कायल करना ना बहुत मुश्किल है। हाँ बाबा ये बात तो ठीक करती है, लेकिन फिर अब करें क्या? कोई बात नहीं, ये काम आप मेरे पे छोड़ दो। देखो मैं इसे जानी के साथ करती क्या हूँ, अगर इसको इसकी नानी ने याद दिलाई तो मेरा नाम भी जरीना नहीं, देखना। बात तो ठीक कर रही है, जानी के हाथ में पंखा तो था। का फोन आ गया इस टाइम पे। जफर भाई हेलो जी, जी जफर भाई हेलो हेलो, जफर भाई मेरी आवाज आ रही है? 1 2 3 माइक चेक, हेलो हेलो, मेरा लगता है कि हेलो जफर भाई, जफर भाई हेलो। जानी के बच्चे तूने तो बहुत ड्रामा कर लिया, अब देख मैं तेरे साथ कैसा ड्रामा करती हूँ, अगर मैंने तेरी नानी ना याद दिलाई तो मेरा नाम भी जरी नानी। लो भाई पता नहीं
किसी भी टाइम पे फोन कर लेता है। ओफ अल्लाह, मत करो शोर, जाहिलों की तरह चाय पी रहे हैं। काम कर रही हूं मैं। सीमा, मैं आप ही से मुखातिब हूँ। बोले जानी जी, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और वो भी फौरी। जानी साहब, आप 5 लाख रुपए का क्या करेंगे बाबा? वो मालदीव जाके ना सेल्फी बनानी है, सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैडम आप तो जिंदा, मेरा मतलब है आप तो बिल्कुल ठीक है। जानी का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये पंखे से हवा चले जा रहे हो। अल्लाह की कसम, ये तो काम ही नहीं कर रहा। बच्चू, मुझे लगता है ये पागल हो गया। अरे नहीं बाबा, मैं बताता हूँ, ये पागल नहीं हुआ है बाबा। ये जो पंखा था ना इसके पास, वो था जादुई। ये जिसके ऊपर झलता था ना बाबा, वो इसके आगे पीछे घूमना शुरू कर देता था और जो ये कहता था वो करता था बाबा। अच्छा, ये आज सुबह से कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था मुझे। अरे भाजा, इसने मोहल्ले वालों से भी पैसे ले रखे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो मेरे पैसे गायब हुए थे वो भी जानी? हाँ बाबा, इसी का कारनामा है 100%। बस जानी, बहुत हो गया, आज एक फैसला हो के रहेगा। अरे बाजाई, कूल डाउन। अरे जरीना, क्या किया है बाबा? एक ही मौका था इस आदमी को घर से बाहर निकालने का। माजरत लेता, आपको भी बैठना पड़ेगा। बैठ जाओ। जरीना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, पहली दफा तुमने मुझे बचाया। इसके पीछे भी ना एक लालच है। छोटी सी लालच क्या? बैठ जाओ जानी, बैठ जाओ। जानी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हाँ, मेरी फ्यूचर की शरीक है आया, बिल्कुल करूंगा। फजर की नमाज के बाद ही निकाह पढ़वा लेते। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, वरना वरना क्या कर लोगी? बताऊ क्या कर लूंगी, बताऊ तेरे को मैं? अरे बाबा, सीमा बाबा मेरी बात तो सुनो बाबा, मोटरसाइकिल वाला मार गया। ओ अभी क्या, चाक पे बड़ा ही जाहिल था, किसी और जगह मार देता। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है पापा को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे बाबा, ये काम डॉक्टर का नहीं है। तो बाबा, ये काम जरा करता है। जरा वो क्या होता है? जी, और 5 साल 10 नान में आयु चड्डा पहलवान। चड्डा पहलवान? बाबा, हम कोई चड्डिया नहीं बेचते। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ा मसला है जी, टांग ना दुकान पे ले जानी पड़ेगी। दुकान पर? अबे भाई, टांग है, जूसर मशीन थोड़ी, जो दुकान पे ले जाओ। आपका नाम चड्डा कैसे पड़ा? ओ जी, मैं बताता हूँ आपको, असल में इनके अब्बा का लकी स्टार पे चड्डो का ठिया था, ऐसा ही है ना? ना जी ना, झूठ मार रहा है ये। पापा सही, मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ अस्पताल चले। अस्पताल कैसे जाएगा जी? पापा भाग के जाएंगे। बोले जाए, ओ भाई खुदा का वास्ता है, खामोश हो जा, क्यों शोर कर रहा है इतना? अरे इनके छोटे भाई की मायू है, इसलिए शोर मचा रहे हैं। मायू? हाँ बाबा, अबे दर्द हो रहा है ना बाबा। पूरी लाइट बोलो, मुझे क्या बताओ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊं? अरे ये तो एनक वाला जिन में सकुटा बोलता था। तो वो तो सिर्फ बोलता है ना, आप करके दिखाओ। बाबा मैं ही पहलवान हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते। आप? अरे बाबा क्या बात कर दी, ये हमारा जानिया नौकर, इसका मुंह पता है क्यों टेढ़ा है? क्यों? पापा मैंने मुक्का मार के इसका मुंह टेढ़ा कर दिया था। बेटा देखो क्या कर रहे हैं। इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा,